हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है? सीएनएस को कवर करने वाली प्रोटेक्टिव टिश्यू। सीएनएस में क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि कम्प्लीटली कवर करता है किसको? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। सपोज दैट ये हमारी ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। इन दोनों को कवर करने वाली लेयर को ही हम क्या कर बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर को ही मेनिंजेस बोलते हैं। ये क्या होती है? थ्री मेम्ब्रेन कवर द ब्रेन मेम्ब्रेन। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को तीन मेम्ब्रेन क्या करती हैं? उनको मेम्ब्रेन कवर करती हैं। फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है एरेकनॉइड और थर्ड है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर जो होती है, जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली, उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। सेकेंड है एरेकनॉइड मैटर। एरेकनॉइड मैटर क्या होता है? जो सेकेंड मिडिल कवरिंग लेयर होती है। और थर्ड है पाया मैटर, जो इनर कवरिंग लेयर होती है। अब बात करते हैं ड्यूरा मैटर की। ड्यूरा मैटर क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि ठीक होता है, और ड्यूरेबल मेम्ब्रेन होता है जो कि क्लोजेस्ट होता है स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम के। इट मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो कि फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। तो ड्यूरा मैटर क्या है? एक आउटर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का। जो ब्रेन की जो तीन लेयर होती है, उनमें से जो आउटर लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, जो कि क्या होती है? थिकेस्ट लेयर होती है और जो कि स्कल के कॉन्टैक्ट में रहती है या वर्टिब्रल कॉलम के कांटेक्ट में रहती है, जो कि किससे बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। अब ड्यूरा मैटर जो होती है वो भी दो लेयर से बनी होती है। पेरिओस्टियल लेयर जो कि इनर सर्फ स्कल बोन के इनर सरफेस पे प्रेजेंट रहती है, और दूसरी होती है मेनिंजियल ड्यूरा जो कि पेरिओस्टियल के बाद की लेयर होती है। इन्हीं लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंशन की। तो एक्सटेंशन की बात करें, ये ब्रेन है तो डिफरेंट टाइप के इसके क्या होते हैं? एक्सटेंशन प्रेजेंट रहते हैं। एक्सटेंशन ये वाले पोर्शन 1 2 3 4 5 4 5 यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन एक होता है फ्लेक्स सेरेब्री। फ्लेक्स सेरेब्री क्या होता है? ये जो एक्सटेंशन है, तीन एक्सटेंशन होते हैं। फर्स्ट है फ्लेक्स सेरेब्री, सेपरेट द टू हेमिस्फेयर ऑफ द सेरेब्रम। जो हेमिस्फेयर है, टू हेमिस्फेयर जो सेरेब्रम वाला पोर्शन है, इसमें क्या होता है? ये टू हेमिस्फेयर में इसको क्या करता है? सेपरेट करता है। इसी को बोलते हैं फ्लेक्स सेरेब्री। सेकेंड है सेरेब्ली। सेरेब्ली में क्या होता है? सेपरेट टू हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रम। जो सेरेब्रम वाला पोर्शन है, इसको क्या करता है? सेपरेट करता है, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये। और नेक्स्ट है टेंटोरियम सेरेब्ली। टेंटोरियम सेरेब्ली क्या होता है? सेपरेट करता है सेरेब्रम फ्रॉम द सेरेबलम, इस वाले पोर्शन का। एक ये क्या करता है? दोनों को सेपरेट करता है। किस किस को? इस वाले पोर्शन को, सेरेब्रम को, सेरेब्रम और सेरेबेलम को, इन पोर्शन को। एक पोर्शन हो गया ये, दूसरा पोर्शन हो गया ये, और तीसरा पोर्शन हो गया ये वाले पोर्शन, पूरा कवर करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एरेकनॉइड मैटर की। एरेकनॉइड मैटर जो होता है वो मिडिल लेयर होती है। ये डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है किसके बीच में? ड्यूरा और पाया मैटर के बीच में, जो कि क्या होती है? सेपरेट होती है ड्यूरा किसके थ्रू? सब ड्यूरल स्पेस के थ्रू। एंड पाया मैटर में किसके थ्रू सेपरेट होती है? सब एरेकनॉइड स्पेस के थ्रू। ये जो इसमें जो बीच में स्पेस होता है, ये कंटेन करता है सीएसएफ फ्लूइड, जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाया मैटर की। पाया मैटर क्या होता है? थर्ड मेनिंजियल लेयर होती है जो कि ब्रेन के कॉन्टेक्ट में होती है या ब्रेन के सरफेस में होती है। ये इस जो पाया मैटर लेयर होती है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ब्लड सप्लाई ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं, सपोज दैट ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी उसको बोलते हैं, ये है पाया मैटर, जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है किसके साथ? ब्रेन के साथ। फर्स्ट लेयर पाया मैटर, जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है। इस लेयर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि डायरेक्टली जो ब्लड सप्लाई करते हैं किसको? ब्रेन को। नेक्स्ट है एरेकनॉइड लेयर।
एरेकनॉइड लेयर जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, सेकेंड लेयर है, जो कि क्या होती है, किसके बीच में, पाया मैटर सब एरेकनॉइड के स्पेस के बीच में रहती है। यहाँ पे जो सब एरेकनॉइड स्पेस है इसमें CSF फ्लूड फिल्ड रहता है, और किसके बीच में, इस वाले स्पेस में, सब ड्यूरल स्पेस में, ड्यूरल स्पेस में के बीच में सेकेंड लेयर रहती है जिसको बोलते हैं एरेकनॉइड लेयर। इसके बीच में दो गैपिंग होती है, एक होती है सब एरेकनॉइड स्पेस और एक होता है सब ड्यूरल स्पेस। अब बात करते हैं थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर जो होता है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, जो कि आउटर लेयर होती है। डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किससे होता है, स्कल से होता है। आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि किससे बनी होती है, पेरियोस्टल और मेनिंजियल लेयर की बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर बोलते हैं। तो ये तीन लेयर क्या करती है, डायरेक्टली ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है।